गाइस इस वीडियो में बात करेंगे श्रद्धा कपूर की सभी फिल्मों के नाम, बजट, कलेक्शन और उनके वर्डिक्ट के बारे में। तो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर वन, तीन पत्ती, जो 2010 में आई थी। बजट था 18 करोड़, कलेक्शन किया था 6.5 करोड़ और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर टू, लव का द एंड, जो 2011 में आई थी। बजट था 9 करोड़, कलेक्शन किया था 8 करोड़ और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर थ्री, आशिकी 2, जो 2013 में आई थी। बजट था 18 करोड़, कलेक्शन किया था 110 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर फोर, गोरी तेरे प्यार में, जो 2013 में आई थी। बजट था 30 करोड़, कलेक्शन किया था 11 करोड़ और ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर फाइव, एक विलन, जो 2014 में आई थी। बजट था 39 करोड़, कलेक्शन किया था 140 करोड़ और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर सिक्स, हैदर, जो 2014 में आई थी। बजट था 35 करोड़, कलेक्शन किया था 55 करोड़ और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर सेवन, एबीसीडी 2, जो 2015 में आई थी। बजट था 50 करोड़, कलेक्शन किया था 168 करोड़ और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर एट, बाघी, जो 2016 में आई थी। बजट था 37 करोड़, कलेक्शन किया था 135 करोड़ और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर नाइन, रॉक ऑन 2, जो 2016 में आई थी। बजट था 45 करोड़, कलेक्शन किया था 17 करोड़ और ये फिल्म डिजास्टर रही। नंबर 10, ओके जानू, जो 2017 में आई थी। बजट था 27 करोड़, कलेक्शन किया था 38 करोड़ और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 11, हाफ गर्लफ्रेंड, जो 2017 में आई थी। बजट था 35 करोड़, कलेक्शन किया था 98 करोड़ और ये फिल्म हिट रही। नंबर 12, स्त्री, जो 2018 में आई थी। बजट था 14 करोड़, कलेक्शन किया था 182 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 13, बत्ती गुल मीटर चालू, जो 2018 में आई थी। बजट था 42 करोड़, कलेक्शन किया था 55 करोड़ और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 14, साहो, जो 2019 में आई थी। बजट था 350 करोड़, कलेक्शन किया था 420 करोड़ और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 15, छिछोरे, जो 2019 में आई थी। बजट था 50 करोड़, कलेक्शन किया था 219 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 16, स्ट्रीट डांसर, जो 2020 में आई थी। बजट था 70 करोड़, कलेक्शन किया था 96 करोड़ और ये फिल्म सेमी हिट रही। नंबर 17, बागी 3, जो 2020 में आई थी। बजट था 85 करोड़, कलेक्शन किया था 127 करोड़ और ये फिल्म एवरेज रही। नंबर 18, तू झूठी मैं मक्कार, जो 2023 में रिलीज हुई। बजट था 70 करोड़। गाइज, ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप और कितना कलेक्शन कर सकती है, ये राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।